इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखी हैं इसके बारे में, तो आपको पता होगा ये मूवी बहुत ट्रेंड कर रही है। मूवी का नाम है गोस्टेड और ये मूवी इतनी ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो आज इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा ये मूवी कैसी है और इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हैं। जरूर देखिए पूरी वीडियो को लास्ट तक। चलिए देखते हैं, बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी की स्टोरी एक टिपिकल लव स्टोरी लगेगी आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत सारा रोमांस, बहुत सारे फ्लर्ट्स और बहुत सारे सीन्स हैं जो आपको ऐसे मजबूर कर देंगे देखने पे कि ये मूवी एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है। बट यही मूवी खत्म नहीं होती, मूवी के 10 मिनट खत्म होते ही मूवी एक इतना बड़ा ट्विस्ट लेती है कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद मूवी एक्शन से भर जाती है, एक्शन एडवेंचर और बहुत सारे ऐसे सीन्स जो आपको बहुत एक्साइट कर देंगे। मूवी में 10 मिनट के बाद ऐसे सीन्स आने लग जाते हैं कि आप मूवी में सोचेंगे इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ गया। मूवी में बहुत अच्छे सीन्स हैं, मूवी के 10 मिनट जहाँ पे बहुत सारा रोमांस, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको बहुत एक्साइट कर देंगे मूवी को आगे देखने पे। मूवी में बहुत ऐसे सीन्स भी आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि इतनी अच्छी मूवी है कि इतने रोमांटिक मूवी हो सकती है, इसमें बहुत ऐसे रोमांस और बहुत ही ऐसी फ्लर्टिंग होगी। बट नहीं, ये मूवी आगे चल के इतनी एक्शन से भर जाएगी आपको आपने सोचा भी नहीं होगा। एक्शन से कैसे भर जाती है इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा, तो मूवी को बिल्कुल देखिएगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इसका नाम है गोस्टेड, इसका मतलब यही है कि वो लड़की मिलती तो उसे और एक साथ वो एक दिन पूरा बिताते भी है, बट उसके बाद वो ऐसे गायब होती है कि जैसे गोस्ट। तो मूवी का प्लॉट इसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे गायब होती है और वो लड़का उसे कैसे ढूंढने जाता है और कैसे लव स्टोरी बन जाती है एक एक्शन मूवी की। देखने में आपको बहुत मजा आएगा। बात करने वाले मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स के बारे में, तो हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव साइड के बारे में। तो पॉजिटिव साइड में मूवी में बहुत ऐसे सीन्स हैं जो आपको एक्साइट कर देंगे, एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, बट मैं उसके बारे में आगे जाके बात करूंगा कि वो एक्शन सीन्स आपको कितने अच्छे लगे और कितने नहीं। बट मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स भी आएंगे बीच में जो आपको एमसीयू की याद दिला देंगे, क्योंकि इसमें एमसीयू के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं और जब भी वो कैरेक्टर्स आएंगे तो एक कॉमेडी इवेंट्स जरूर साथ में लेकर आएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा ये मूवी देखने में। बट यहाँ ही तक थे इसके पॉजिटिव साइड्स, अब मैं इसके नेगेटिव साइड्स बताना चाहूँगा आप सबको। मूवी में बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं क्योंकि इसमें जो भी लोकेशंस यूज़ करी गई हैं वो एक तरीके से नकली लगती है। उसमें काफ़ी ऐसे सीन्स ऐसे भी आते हैं जहाँ आपको लगेगा ये नकली सेट बना रखा है। मूवी में एक सीन ऐसा भी है जहाँ पे वो मूवी पाकिस्तान में शूट हो रही है, बट वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी नहीं है और ना ही उनकी स्किन टोन्स भी अलग हैं और उनका बोलने का तरीका भी। तो ये आप थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे इस मूवी को देख के। मूवी में आगे चलते हुए एक्शन सीन्स तो बहुत हैं, बट वो एक्शन सीन्स आपको एक्साइट करेंगे कि नहीं है मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मूवी में काफ़ी एक्शन सीन्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत लो लेवल के लगते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें ज़्यादा एक्शन सीन्स डाले ही नहीं गए। तो ये आपको देखने में आप खुद देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगती है। बट इन कंक्लूजन मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप ये मूवी टाइम पास के लिए देखना चाहते हैं तो आपको मूवी ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडिंग ये मूवी उस लायक तो नहीं, बट हाँ देखने लायक ज़रूर है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा, और अगर आपको हमारे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी जाके देखिए।